नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है हाउ टू टेक्निकल। आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल का यूआरएल चेंज कर सकते हैं जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और किसी को आप शेयर करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे शॉर्ट यूआरएल, यूनिक यूआरएल आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ आपको टाइप करना है youtube.com। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया, इंटर प्रेस कर देते हैं। अब आपके सामने यूट्यूब का जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब सिंपली दोस्तों आपको राइट साइड पे आइकन दिख रहा होगा जिस पे कि आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि सबसे पहला योर चैनल का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका नया इंटरफेस ओपन होता है योर चैनल का। अब लेफ्ट साइड से आप जो है इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, नया इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चैनल स्टेटस एंड फीचर्स, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको जो है पता चल जाता है कि आप इनेबल हैं कि नहीं अपना यूआरएल चेंज करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कई सारे यहाँ पे आपको स्टेटस दिखता है आपके चैनल से रिलेटेड, जहाँ पे आपको कस्टम यूआरएल भी दिख जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि इनेबल का ऑप्शन जो है यहाँ पर दिख रहा है, जिसके लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो है कस्टमर यूआरएल को जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको इनेबल के बटन पे जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको जो है सेंटर पे दिख जाता है कस्टम यूआरएल का ऑप्शन। आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे मिलता है कस्टम यूआरएल का ऑप्शन, जिसमें कि दोस्तों आप जो है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप जो है एलिजिबल हो चुके हैं और यहाँ पे आप जो है क्लेम कर सकते हैं अपने कस्टम यूआरएल के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आपको लगता है कि आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे आप हेयर पे क्लिक कर देंगे। हेयर के हाइपर लिंक पे क्लिक करते ही नया इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है, जहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाता है कस्टम यूआरएल एलिजिबिलिटी, यानी कि कस्टम यूआरएल को आपको बदलने के लिए आपके चैनल पे क्या क्या चीज़ें जो हैं यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि आपका जो है चैनल पे 100 सब्सक्राइबर या फिर उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है कि एटलीस्ट आपका चैनल जो है 30 दिन पुराना होना चाहिए, यानी कि आपके चैनल को 30 दिन हो चुके होने चाहिए। तीसरी चीज़ यहाँ पे बताता है कि आपके चैनल आइकन पे वही फ़ोटो होना चाहिए जो कि आपने यहाँ पे अपलोड किया था। दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपके यूट्यूब के चैनल पे चैनल आर्ट लगा होना चाहिए, यानी कि बैनर लगा होना चाहिए जो कि आपके इमेज के ऊपर दिखता है। तो दोस्तों ये चारों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे कस्टम यूआरएल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कि कैसे आप यहाँ पे कस्टम यूआरएल चेंज करेंगे। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वापस से यहाँ पर आपको जो है बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप फिर से यहाँ पे उसी पेज पे आ जाते हैं। आप फिर से आपको इनेबल के बटन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपके सामने आ जाता है फिर से वही पेज जहाँ कस्टम यूआरएल लिखा हुआ है। तो इस बार आपको जो है ऊपर यहाँ यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम यूआरएल क्लेम इट हियर, इसके बटन पे यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। ये एक हाइपर लिंक है जिस पर क्लिक करती है आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाता है। जैसा कि ये देख सकते हैं हमारे सामने पॉपअप ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको जो है मिल चुका है कस्टम यूआरएल के लिए ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप कस्टम यूआरएल चेंज कर सकते हैं। कस्टम यूआरएल में यहाँ पर आपको जो है YouTube का चैनल नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपके जो है कस्टम यूआरएल लिंक पे आपका जो है यहाँ पे चैनल नाम भी मेंशन है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। आगे आपको मिला हुआ है ऑप्शन ऐड अ फ्यू कैरेक्टर, तो यहाँ पे दोस्तों आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से और वो यूनिक होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे जो है क्रिपी रोस्टर लिखा है, ऊपर यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है कि इस नाम से पहले कोई भी यहाँ पे कस्टम यूआरएल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऊपर जो आपने कैरेक्टर ऐड किया है वो आपके जो है कस्टम यूआरएल को यूनिक बनाता है। यहाँ पे आप नंबर यूज़ कर सकते हैं या फिर कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। टर्म्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको जो है चेंज यूआरएल पे क्लिक कर देना है। आपके सामने दूसरा पॉपअप ओपन होता है जिसमें कि कंफर्मेशन है कस्टमर यूआरएल के लिए। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अपना बताना पड़ेगा कि आप फाइनली जो है इसको पब्लिक के साथ शेयर करने वाले हैं और यह आपका जो है कस्टम यूआरएल आपने देख लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रॉपर अपने चैनल का यहाँ पे कस्टम यूआरएल एक बार ज़रूर देख लें फिर से, और यहाँ पे दोस्तों आपको दिख जाता है कि यहाँ पे आपको जो है पूरी तरीके से श्योर होना पड़ेगा
कि आपका जो है ये कस्टम यूआरएल जो है आपने फाइनली यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। अगर दोस्तों यहाँ पे एक बार आपने कस्टम यूआरएल के लिए कंफर्मेशन कर दिया तो आप इसे दोबारा चेंज नहीं कर सकेंगे। और दोस्तों अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एक साल में आप केवल 3 बार ही इसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ें फैसिलिटी मिल जाती हैं यूट्यूब के चैनल के अंदर जो पहले नहीं मिलती थी। फाइनली दोस्तों नीचे आपको कन्फर्म चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बार अपना यूआरएल आप फिर से रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद ही कंफर्म चॉइस के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये यहाँ पे जो है सेट होने लगा है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो है कस्टम यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट सेंड हो चुका है यूट्यूब को, और यूट्यूब जो है उसको 1 से 2 दिन में जो है यहाँ पे अपडेट कर देगा। और दोस्तों इसको अपडेट होने में जी हाँ 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप यहाँ पे इस तरीके से कस्टम यूआरएल अपना चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही कई सारे वीडियो के लिए आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत पे ज़रूर बताएं कि आपको जो है मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको और क्या क्या चीज़ें जानना है यूट्यूब से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।